सभी का राजफर टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। नोएडा में शोभा यात्रा की अद्भुत तस्वीरें सामने आई, जहां शौहर्ट की मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम समाज के लोग सामने आए, जहां भीषण गर्मी में धूप में पैदल शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों को पानी, जूस और कोल्ड ड्रिंक बांटे। इस तस्वीर को देख सभी का मन मोहित हो गया। बांस बल्ली मार्केट में पहुंची शोभा यात्रा का मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वागत किया और साथ ही जूस, पानी और कोल्ड ड्रिंक का भी स्वागत उन्हें किया गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दोबारा सरकार बनने के बाद बुलडोजर धीरे धीरे गति पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अपराधियों और माफियाओं की खैर नहीं है। इसी तर्ज पे अमेठी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत थारा गांव में कोतवाली पुलिस के जवान बुलडोजर लेकर अपराधियों के घर पहुंच गए, जहां पर घर के सामान निकाल कर कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित की गई। वहीं मौके पर मौजूद थाना अध्यक्ष अमेठी उमाकांत शुक्ला ने बताया कि 72 घंटे का समय इन लोगों को दिया जा रहा है। अगर इसके भीतर ये अपराधी सरेंडर नहीं कर देते तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय के आदेश पर बुलडोजर चलाया जाएगा। जालौर में बिजली समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए आप कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे आप कार्यकर्ताओं ने बताया कि उरई तहसील क्षेत्र के गांव शजदपुरा में पिछले एक वर्ष से बिजली की समस्या बनी हुई है। विद्युत विभाग द्वारा आधे गांव के ही विद्युत तार बदलाव गए हैं, वही जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है। इस समस्या को लेकर उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही विद्युत आपूर्ति नहीं की गई तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। समस्या ये है कि गांव में करीब 10 से 12 दिन से लाइट नहीं जल रही है। वहाँ पर बच्चे पीड़ित हैं, महिलाएं पीड़ित हैं और बुजुर्ग भी पीड़ित हैं, और अंधेरा पड़ा हुआ है गांव में। समस्या ये है कि वहाँ पर काफ़ी दिनों से लाइट की समस्या, एक से दो साल से लाइट की समस्या है वहाँ पर। समस्या ये है कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते 2.5 किलोमीटर पर, कुकरगाँव से 2.5 किलोमीटर पर आधी लाइन तो बदल दी गई, नई लाइन, और आधा किलोमीटर लाइन छोड़ दी गई। उसका कारण ये ठेकेदार के माध्यम से वहाँ पर भ्रष्टाचार किया गया है। आधी लाइन छोड़ दी गई, जिसके चलते वहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। इसी में वहाँ पर 12 तारीख को हादसा हुआ है, 4 गाय की बेजुबान जानवरों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं नोएडा के DM सुहास एलवाई ने कोविड को लेकर प्रेस वार्ता की। नोएडा में लगातार बढ़ रहे मामले को देखते हुए ये प्रेस वार्ता की गई। कोविड के केस में हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। वहीं जिले में 2000 स्कूल कॉलेज है, स्कूल को एडवाइजरी जारी की गई है, जब लक्षण हो तो स्कूल ना भेजे। जिले में 15 से 18 साल के बच्चों को 84% वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 12 से 14 साल के बच्चों को 49% लगाई गई है वैक्सीन। सभी स्कूल को हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वही टोल फ्री नंबर पर जानकारी दे सकते हैं, 1800-419-2211 पर जानकारी देना होगा कि कोरोना को लेकर कई तरीके की गलत जानकारी मिल रही है, वो गलत है। पिछले 24 घंटे में 76 नए मामले सामने आए हैं, इसलिए आप सभी को सावधानी बरतनी होगी ताकि आप और आपके परिवार के बच्चे भी सुरक्षित रह सके। उनसे परामर्श के बाद सारे स्कूल्स को आवश्यक प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी तथा शासन का निर्देश है कि क्योंकि NCR रीजन में जो पॉजिटिविटी वृद्धि देखने को मिली है, अभी से प्रिकॉशनरी मेजर जो जो आवश्यक है वो सब लिया जाए। जितने भी यहाँ पे लगभग 2000 स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट पब्लिक सब मिला के, अधिकांश स्कूल में कोई भी कोविड केस देखने को नहीं मिला है। कुछ स्कूल्स में जहाँ मिली है तो वहाँ पर कंट्रोल रूम का नंबर 1800-419-2211, ये कंट्रोल रूम का नंबर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। साथ ही इन सारे संस्थाओं का, स्कूल्स का भी आवश्यकता पड़ने पर निरीक्षण करने के लिए टीम्स का गठन किया गया है। अग्निशमन विभाग द्वारा पूरे भारत में चलाए जा रहे अग्नि सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, और ऐसे कार्यक्रम में बहुत लोगों ने भी हिस्सेदारी ली। इसी श्रृंखला में रविवार को धरनगरी वृंदावन में जन जागरूकता रैली निकाली गई। बैंड बाजे एवं विद्यार्थी बैंड के मध्य रमन रेती मार्ग स्थित फोगला आश्रम से शुरू हुई रैली विद्यापीठ चौराहा आदि क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए नगर निगम चौराहा पर संपन्न हुई। जागरूकता रैली का शुभारंभ संत जनों द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। रैली में जहां अग्निशमन विभाग के अधिकारियों द्वारा लोगों को अग्नि से बचाव और सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी गई, और साथ ही रैली में शामिल समाज सेवियों ने भी लोगों से आग से बचाव के तरीके पर ध्यान देने का आह्वान किया।
ये बेसिकली एक जन जागरूकता के लिए रैली है और अग्नि सुरक्षा से संबंधित जितनी भी हमारी जो चीज़ें उनको आज बताया जाएगा, उसी को जो समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बेसिकली है कि सब लोग जो हैं अपने उपकरण जो बिल्डिंग से उनके अंदर अधिस्थापित करें और जो उपकरण हैं उनको अपना साथी बनाएं ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी उनका उपयोग करके और लोगों की जान माल जो है उसको बचाया जा सके। और वृंदावन काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, विदेश से भी आते हैं, देश से भी आते हैं और काफ़ी कंजेस्टेड एरिया भी है और हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर जागरूकता की ज़्यादा आवश्यकताएँ हैं क्योंकि डेली आए दिन जो आज की घटनाएं होती रहती हैं तो उनको रोकथाम के लिए बहुत ही जरूरी है कि लोग खुद से अवेयर हों और अपना जो सिस्टम है उसको अपडेट रखें और कोई भी जब घटना होती है उस पर क्या करें क्या ना करें इससे संबंधित जो डेमो है वो आज हमारे द्वारा जो अटला चौराया है उसके ऊपर दिया भी जाएगा। गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड में संकट मोचन हनुमान जी के जन्मोत्सव पर 11,000 किलोग्राम का एक लड्डू का भोग प्रसाद के साथ महोत्सव मनाया गया। आचार्य शुक्ला ने बताया कि प्रतिवर्ष बाबा बजरंगबली के जन्मोत्सव को इसी प्रकार से मनाया जाता है। आगे उन्होंने बताते हुए कहा कि एक सुंदर सा बाबा बजरंगबली का भजन गाया, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत मीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हनुमान चालीसा की सुंदर पंक्ति आचार्य शुक्ला जी ने सुनाई। कार्यक्रम है परमादरणीय परम पूजनीय पूज्य श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज जो दूधेश्वर मठ के वहाँ के अध्यक्ष भी हैं, इसके अलावा अनेक साधु संत महात्मा आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज का सब चिरजीवी जब हैं तो इन बच्चों ने मिलकर के प्रिया जी, मोहित जी, अभिषेक जी, त्यागी जी, महेश्वरी जी और ये हमारे जितने एक लगन थी कि एक रिकॉर्ड बनाया जाए कि 11,000 किलो का लड्डू और आपके सामने रखा हुआ है 11,000 किलो, तो इन लोगों ने इतनी गर्मी में भी बैठ करके जो कार्य किया है वो निश्चित रूप से एक एक अपना जो मापदंड बनेगा उसके लिए किया और उसमें सहयोग आप लोगों ने दिया है। प्रेस का कछु लेना न देना मगन रहना, क्योंकि हनुमान जी महाराज के यहाँ एक ही बात है कि वहाँ पर निष्काम भाव से आकर के अगर श्रद्धा करें, इसी प्रकार से लॉयंस क्लब की महिलाएं वो भी लगी हैं और एप्स के कार्यकर्ता। थाना क्षेत्र के गांव अडिंग में लापता बच्चे को बरामदगी को लेकर ग्रामीणों ने बाजार बंद कर अडिंग चौराहे का घेराव किया। चौकी का घेराव करने पहुंचे महिला पुरुषों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिलखते हुए स्वजनों ने पुलिस को आपबीती सुनाई। सीओ ने सर्विलांस और अन्य टीम लगाने की बात की। वही चाइल्ड हेल्प डेस्क लाइन और ट्रैक मिसिंग चाइल्ड को भी सूचना देकर डिटेल लोड कर दी है। दरअसल 14 अप्रैल को अंबेडकर शोभा यात्रा निकलते समय नितिन लापता हो गए जो कि 9 वर्ष का था। बच्चे की बरामदगी को लेकर रविवार को अडिंग के व्यापारियों ने बाजार बंद कर स्वजनों के साथ अडिंग चौकी का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मेरी बहुत पूरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। बहुत दुख की बात है, बहुत कष्ट की बात है। 7-8 साल में बच्चा गायब हुआ है और जिस दिन से लड़का गायब हुआ है ये जनता वास से ही अपने सूचना ऐसी हमारे कार्यकर्ता है राजीव चंद्र जी इन सब लोगों ने अपनी बात की है। लगातार मैं पुलिस प्रशासन के संपर्क में, कल कप्तान साहब 2 बार बात करते लगी हुई पूरी तरह से कप्तान पर दबाव बना रखा है कि जल्दी से जल्दी लड़का बरामद होना चाहिए। 14 तारीख को बूथ हुए थे, इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत किया गया है। गांव वालों ने डिमांड की है कि सीसीटीवी से बरामद किए जाएँ। सभी टीम लगा दी गई है, क्राइम ब्रांच और स्वाट भी नियुक्त कर दी गई है, एसओजी भी अपना काम कर रही है। शीघ्र ही बच्चों की वृंदावन में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र शनिवार को धर्मनगरी वृंदावन आए। चुंगेल स्थित वृंदावन बालाजी देवस्थान के उद्घाटन समारोह में आए मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र, विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद और सिने अभिनेत्री जयाप्रदा एवं भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल द्वारा वेद उच्चारण करके मध्य पूजन अर्चन कर मंदिर का उद्घाटन एवं हनुमान चालीसा स्तंभ का लोकार्पण किया गया। साथ ही उन्होंने मंदिर में आयोजित हवन यज्ञ में आहुति देकर एवं 5 भाइयों के साथ विराजमान हनुमान जी की महाराज के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। डॉक्टर हनुमान के पाठक के द्वारा निर्मित हनुमान जी का बालाजी का जो मंदिर है उसका उद्घाटन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसे मैं यहाँ आया था। सभी संत जनों की उनका सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। सबने अपेक्षा ये की है कि नीम करोड़ी बाबा की प्रेरणा से प्रेरित होकर डॉक्टर अनुराग कृष्ण पाठक ने
हनुमान जी का ये भव्य मंदिर उनके पांचों भाइयों के साथ बनवाया है। निश्चित रूप से ये हर भक्त के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। अब केवल इतना ही नहीं तो एक हनुमान चालीसा स्तंभ भी बनाया गया है। झांसी मीडिया क्लब के तत्वावधान में अध्यक्ष मुकेश वर्मा के नेतृत्व में दर्जनों पत्रकारों ने 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी पत्रकार पैदल मार्च करते हुए एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसएसपी को ज्ञापन देते हुए बताया कि जनपद में पुलिस का पत्रकारों के प्रति रवैया ठीक नहीं है। लगातार पत्रकारों के खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की जा रही है, जो न्याय संगत नहीं है। ज्ञापन में बताया गया कि गत दिवस पुलिस ने सांठगांठ कर पत्रकार मिलन परिहार और शशिकांत तिवारी को अवैध रूप से कार्य कर रहे क्रेसर संचालक की खबर प्रकाशित करने पर उन्हें बंधक बना लिया। मारपीट की गई और फिर साजिशन महिला से मारपीट कराकर वीडियो वायरल किया गया और फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया, जिसे निरस्त किया जाए। साथ ही घटना में घायल पत्रकार मिलन का मेडिकल परीक्षण कराकर उसकी FIR दर्ज की जाए। आज हम लोग 2 प्रकरण में ज्ञापन देने आए थे SSP साहब को, हमने उनको चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। पिछले 25 मार्च को एक निजी स्कूल में एक महिला पत्रकार है साक्षी राय, उनके साथ जो घटना हुई थी मारपीट की, पुलिस ने दोनों तरफ से मुकदमा लिखा, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने साक्षी राय ने जो मुकदमा लिखा था उसको निरस्त कर दिया और उनके खिलाफ अब बड़ी साजिश की जा रही है, धाराएं बनाने का काम किया जा रहा है। एक हम लोग उस मांग में आए थे कि साक्षी राय के खिलाफ जो मुकदमा उसको निरस्त किया जाए। समय से पूरे उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर हमले भी हो रहे हैं और प्रशासन का पुलिस का रवैया भी पत्रकारों के प्रति ठीक नहीं है। झांसी में भी ये पहला मामला नहीं है, झांसी में भी कई पत्रकारों पर मुकदमे हुए हैं और मैं कहना चाहता हूं कि कई पत्रकार बाद में जब हम लोगों ने आंदोलन किया या कोई बात रखी तब उनको फिर जाँच की गई। इसी प्रकार से फिर से ये हुआ है तो इस मामले में आज SSP साहब से बिल्कुल 2 टूक बात हुई है कि इस तरह का रवैया पत्रकारों के प्रति जो पुलिस प्रशासन कर रहा है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसे ही रवैया रहा तो हम लोग भी मोर्चा खोलेंगे और हम लोग भी इसका जवाब ठीक उसी तरह से देंगे, अपनी खबरों के माध्यम से देंगे, अपने चैनलों के, अपने पोर्टल्स के, अपने समाचार पत्रों के माध्यम से देंगे। गाजियाबाद SSP मुनिराज ने दिल्ली से लगी सभी सीमाओं पर बैरिकेडिंग लगाकर आने जाने वाले वाहनों की ओर तलाशी कर दी है। दिल्ली की जैसी घटना गाजियाबाद में न हो सके, चेक इन करने में पुलिस क्षेत्राधिकारी SP पुलिस फोर्स भारी संख्या में तैनात किए गए। इसके साथ ही पूरे जिले के अंदर मोटरसाइकिल नौदेवी पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। एंटी रोमियो टीम और साइबर टीम भी गश्ती करती दिखाई दे रही है। गाजियाबाद शहर में हर थाने हर चौकी पर बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग अभियान जारी किया जाए। जनपद गाजियाबाद NCR से जुड़ा हुआ इलाका है, दिल्ली से बाढ़ रहा है हमारा, अब उसके ध्यान रखते हुए हम लोग जो आज दिल्ली में घटना हो उसका नज़र रखते हुए है हमने जनपद स्तर पर तुरंत येलो स्कीम लागू किया, वो एंटी रेड स्कीम को हमें का अलर्ट जारी रखा हम लोगों ने। इसके तौर पर तुरंत हमारा पॉइंट्स ऑलरेडी निर्धारित है, उस पॉइंट में बाढ़ में और गाड़ियाँ चेकिंग करें जो संदिग्ध व्यक्तियों का चेकिंग लगाया हम लोगों ने। और इसी के अलावा अपना जनपद में जो कहाँ का मिश्रित तवारी उस इलाके में हमारा पेट्रोलिंग बढ़ा दिया, हमारा सब अधिकारी एडिशनल SP CEOs SHO सब लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। अब हम लोग एरिया डोमिनेशन भी कर रहे हैं, हमारा फोर्स को इकट्ठा करके एक एक टोली टाइप बना के हम लोग ने जो बॉर्डर इलाका है उस इलाके में मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग अभी चल रहा है। हमारा CEO साहिबाबाद और SP City 3 दोनों वहाँ पर साहिबाबाद इलाके में कर रहे हैं। यहाँ पे लोनी क्षेत्र में हमारा SP RA साहब और CEO लोनी सब मिलके यहाँ पे भी हम लोग मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। उसके साथ साथ परमानेंट पिकेटिंग भी रात में लगा रहा हूँ हम लोग, और कल का भी पूरा 24 आवर्स हम लोग पूरा अलर्ट रखेंगे और लगातार निगाह रखा है हम लोग इस जनपद में शांति की व्यवस्था रहने के लिए। और वही गाजियाबाद के हरसाव में शास्त्री नगर के ई ब्लॉक खसरा नंबर 659 शमशान घाट, जो की सरकारी भूलेख में मरघट के रूप में दर्ज है, उसकी पैमाइश करने आई तहसील और GDA की टीम के आला अधिकारियों ने बिना पैमाइश किए वहां से भाग जाना उचित समझा। पूरा मामला इस प्रकार है कि 21 मार्च 2022 को गाजियाबाद एस डी
सीएम सदर विनय कुमार जी के एक आदेश पर पत्र संख्या 2239 के अनुसार एक संयुक्त टीम को जिसमें गाजियाबाद तहसील, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और गाजियाबाद नगर निगम को सम्मिलित होकर श्मशान की पैमाइश करनी थी। सूत्रों से जानकारी के अनुसार पहला आदेश 21 मार्च 2022 को, दूसरा 12 अप्रैल 2022 और फिर 15 अप्रैल को होना था, जब जाके 16 अप्रैल को कैसे न कैसे करके गाजियाबाद तहसील से लेखपाल धर्मेंद्र तथा जीडीए से आनंद ने मौजूदगी दिखाई। गाजियाबाद से शास्त्री नगर ई ब्लॉक के काफी दिनों से विवादित रहे इस शमशान घाट जो हमारे पीछे है और ये उसके ग्रामवासी हैं हमारे साथ, आज जो आदेश मिला था 16 अप्रैल को वो मिला था कि गाजियाबाद के जो तहसीलदार ने जो आदेश दिया है कि जो लेखपाल साहब हैं और जो जीडीए के जो अधिकारी हैं आनंद जी, उनको ये आदेश मिला था कि पैमाइश की जाएगी। आप हमारे साथ देख सकते हैं आनंद जी हमारे साथ हैं, आनंद जी आप हमारे साथ हैं, गाजियाबाद के विकास प्राधिकरण करिए ये गाजियाबाद तहसीलदार से मौजूद हैं उनके एम्प्लॉई। क्या नाम है आपका? आनंद शर्मा। आनंद शर्मा जी, आज जो हरसाव गांव में जो आदेश मिला था एसडीएम साहब का खसरा नंबर 659 को लेकर, क्या आदेश था? आदेश ये था कि मौके पर जमीन देख लो कि 659 की मौके पर जमीन उपलब्ध है कि नहीं है जी। ग्रामीण वासियों का ये कहना है कि आदेश ये था कि जो बची उनकी जमीन है यहाँ भूलेख के अनुसार जो बता रहे हैं कि एक सरकारी कागज के अनुसार नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि 533 वर्ग मीटर इनकी अभी भी मौजूद है, क्या उसकी पैमाइश करेंगे आप? वो पैमाइश का कार्य तहसील को करना है, तहसील मौके पर स्थायी बिंदु तलाश करके इसका मौके पर मेजरमेंट करके बता दें। आदेश तो ये था कि आज ही करेंगे, क्या ये आदेश झूठा था? क्या आदेश कभी झूठा नहीं हो सकता। तो ये आदेश में क्या क्या था आप एक बार गांव वालों को बताना चाहेंगे एक बार, क्या पूरा आदेश था? ये आदेश जो था कि मौके पर चिन्हांकन कराने के लिए था कि 1300 मीटर जमीन मौके पर उपलब्ध हो रही है या नहीं हो पा रही है। अच्छा, क्या ये आदेश नहीं था कि आज उसकी आप पैमाइश करेंगे, निशानदेही करेंगे, गांव वालों को सूचित करेंगे, क्या ये नहीं था? हमारे पास ऐसा आदेश नहीं है कि हमारे पास तो ये था कि मौके पर चिन्हांकन कराना है, मगर वो कह रहे हैं कि कोई स्थायी बिंदु आसपास न होने के कारण तहसील के पटवारी लेखपाल क्या भाग गए? आप देख सकते हैं कि जो जिनको आदेश मिला था वो आदेश ये था, मैं बताता हूँ आपको, गाजियाबाद एसडीएम सदर तहसील गाजियाबाद से विनय कुमार सिंह का, कि खसरा नंबर 659 हरसाओं गांव का जो ये मरघट है वो 1900 वर्ग मीटर है, आज उस पैमाइश के लेकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और नगर निगम गाजियाबाद और तहसीलदार लेखपाल धर्मेंद्र जी को यह आदेश था। ग्रामीणवासी भी मौजूद हैं, कुछ ग्रामीणवासी बात करना चाहेंगे। सर एक बार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है। सुमित कुमार जी, अभी जो यहाँ पे तहसीलदार की तरफ से लेखपाल आए थे धर्मेंद्र जी, क्या yes, बात रही? यस yes, मैंने आपको मैं बता देता हूँ कि तीनों विभागों की तरफ से, जैसे कि जीडीए से, नगर निगम से और तहसीलदार राजस्व विभाग से, धर्मेंद्र जो लेखपाल जी हैं वो आए और यहाँ पर मौके पर जब उन्होंने चयनित, जो कि उन्हें पत्र द्वारा सूचित किया गया था कि जिसमें उनको पैमाइश करनी थी, उसके अनुसार वे बहुत ही गलत कार्य कर रहे हैं कि उस पर ना तो उन्होंने कोई पैमाइश करी, वो भाग गए। क्यों भाग गए? क्या था? क्योंकि चोरी है, उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें किसी प्रकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ये शास्त्री नगर के लोगों से मिलकर इस पर चाहते हैं कि ये शमशान बंद रहे, कभी चालू ना हो, और इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि विवाद बना रहे, मतलब कोई भी इसे विवाद को पूरा नहीं करना चाहता। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम कैलाश है, हरसाव गांव का निवासी हूँ। क्या रहा आज यहाँ पे पैमाइश होनी थी? पैमाइश होनी थी, लेखपाल जी आए, धर्मेंद्र जी और जीडीए से भी आए थे कुछ अधिकारी, बाकी जो काम होना था वो तो करा नहीं हुआ। जीडीए से आनंद प्रकाश जी आए थे, जीडीए से आनंद प्रकाश जी आए थे, बाकी जो कार्य होना था वो तो कुछ हुआ नहीं, अलग अलग बात बता रहे थे दोनों। क्या बात बताई? पैमाइश करने के लिए गांव वालों ने जब आदेश ये मिला, क्या पैमाइश नहीं की उन्होंने? पैमाइश नहीं की, वो तो कह रहे हैं कि चिन्हीकरण नहीं है, पहली बात तो यहाँ पे कोई ऐसा निशान बिंदु नहीं है जिससे हम चिन्हीकरण करें, और दूसरी बात यह है कि कह रहे हैं कि जमीन तो ये पूरी है तुम्हारी 1900 मीटर, लेकिन बाकी इस पर कोई फीता वीता डाला नहीं इन्होंने, मना कर दिया। मतलब सर क्या नाम है आपका? किशन यादव। किशन जी, अभी पैमाइश करने के लिए यहाँ लेखपाल आए थे और जीडीए के तहसीलदार की तरफ से भी आए थे, क्या रहा? ऐसा है, ये यहाँ आए थे, ये कहने लगे कि हमारे पास यहाँ कोई ऐसा घोतक बिंदु नहीं है जिससे हम चिन्हित कर सकें, तो हमारी जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने पहले 2016 में पैमाइश कराई थी, हमने उसी आधार पर बताया कि सिंचाई विभाग में कुआ है, पहले लेखपाल है हमारे, उन्होंने पैमाइश करी थी, तो यहाँ पर जो पैमाइश करी थी उन्होंने की सर्विस रोड में और नाले में इतनी जमीन गई है, और 533 गज आज भी शमशान में अंदर है मौजूद। नोएडा स्थापना दिवस पर समारोह स्थापित किया गया, जहां नोएडा का 46वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता वहां पहुंचे, सेक्टर 91 के पंचशील बालक कॉलेज में ये समारोह किया गया।
106 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में सांसद महेश शर्मा, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश सरकार द्वारा पढ़ने वाले स्कूली छात्र छात्राओं से चुनाव के दौरान किए गए वायदे को आमली जामा पहनाया जा रहा है, जिसके तहत शनिवार को शहर के बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले दिन 498 छात्र छात्राओं को टैबलेट का वितरण किया गया, तो वहीं दूसरे दिन यानी रविवार को 12 इंजीनियरिंग कॉलेज के 796 छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण किया गया। आयोजित किया गया कार्यक्रम में बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज के एमबीए और बीटेक अंतिम वर्ष के 219 विद्यार्थी, फार्मेसी डिपार्टमेंट के 63 विद्यार्थी और डिप्लोमा कोर्स के 71 विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किए गए। इसके अलावा जनपद के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज से आए छात्र छात्राओं को भी टैबलेट प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण रहे। उनके साथ जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विजय शंकर दुबे, एसडीएम तथा अग्रवाल, शिक्षा मंडल के अध्यक्ष गोविंद प्रसाद अग्रवाल, कन्हैयालाल बंसल आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में ये लिखा था कि हमारे जितने भी टेक्निकल और जितने भी ग्रेजुएट के हमारे छात्र हैं उन सबको हम ये टैबलेट देंगे। चूँकि आज भारत पूरे विश्व में टेक्निकल लाइन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए आदरणीय योगी जी ने और आदरणीय मोदी जी ने जो संकल्प पत्र में समावेश किया था, आज उसी को पूरा करने के लिए प्रथम बार यहाँ बीएसए कॉलेज के प्रांगण में ये टैबलेट वितरण किया गया है। हमारा ये ध्येय है, हमारा लक्ष्य है कि जो भी हमारे संकल्प पत्र के वायदे हैं उन सबको हम क्रमशः पूरा करेंगे। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।